Welcome to SJ Inceptions. I am at India's most famous exotic pet shop, the Karnataka Aquarium, and this is the fifth video of my third visit at Karnataka Aquarium in Bengaluru. So look at here. Here is a beautiful exotic pet. I am watching it for the first time in my life. Let me know in the comment section agar aapne bhi pehli baar dekha hai to. So hamare saath hai Sayed Liaqat bhai. सो भाई बहुत सारे वीडियोस इस बार हमने बनाए अलग अलग खूबसूरत एक्जोटिक पेट्स के. इस बार आप ये वीडियो में क्या दिखाने वाले हो भाई? ये टेगू है. टेगू? हाँ टेगू. ओके टेगू इन द सेंस ये भी एक रेप्टाइल है. TEGU? हाँ टेगू. ओके तो ये टेगू है. ओके और पिछली बार मैं डेगू बनाया था. अच्छा, टेगू रोडेंट. हाँ टेगू को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है. अच्छा हाँ वो रोडेंट है और ये रेप्टाइल. ये रेप्टाइल है. हाँ, जो रेप्टाइल है. डेगू हमने किया था वो रोडेंट में आता है. हाँ, रोडेंट फैमिली में. ये रेप्टाइल फैमिली में. हाँ, ये रेप्टाइल फैमिली में. ओके पैटर्न तो भाई इसकी अनएंडिंग है. बहुत ज्यादा बॉडी के ऊपर टेल से शुरू होती है तो बैंड्स होके गुजरती है तो ये एकदम अलग ही रूप धारण कर लेते हैं. उसके बाद में पूरा हेड के ऊपर भी पैटर्न है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर. तो क्या बताना चाहेंगे भाई ये किस जगह से पाया जाता है, क्या ओरिजिन है इसका? ये पूरा US का आता है जी. ये अफ्रीका में भी मिलता है. अच्छा और इसकी ब्रीडिंग होती है ज्यादा थाईलैंड में. ओके अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंडिया इतना ग्रो कर लिया है कि अभी इंडिया में भी इसकी ब्रीड हो रही है. बहुत बढ़िया. क्योंकि लोकल ब्रीड ही हुआ है इंडिया में ये जी. इसका नाम है ब्लैक एंड व्हाइट टेगू. तो इसमें अल्बाइनो टेगू आता है, रेड टेगू आता है, ब्लैक एंड व्हाइट टेगू आता है. तो बहुत सारे इसमें म्यूटेशन आते हैं लेकिन जो वर्जिन कलर है जैसे कि इंसानों ने बनाया हुआ कलर तो बहुत सारे हैं. जैसे कि अलग अलग ब्लड लाइन डाल दिया, अलग म्यूटेशन बना दिया. नेचुरल कलर जो है ये है ब्लैक एंड व्हाइट टेगू जो वाइल्ड में मिलता है. okay. ये ब्लैक एंड व्हाइट टेगू है. और भाई इसका जो डाइट रहता है जिसको हम लोग चिकन देते हैं, चिकन लिवर देते हैं जी. और मिलवॉर्म्स देते हैं. अच्छा सुपर मिलवॉर्म्स देते हैं. और जो कैट का वेट फूड आता है वो वेट फूड भी देते हैं इसको क्योंकि ये बहुत अच्छे से खाता है. भाई आई मे बी रॉन्ग बट मुझे इसका जो सामने का जो लुक है ना, उसका जो पैटर्न है वो किंग कोबरा की तरह नजर आ रहा है. ये देखिए आप सामने इसका देखेंगे तो देखिए बिल्कुल जो किंग कोबरा के जैसे पैटर्न होते हैं उसको ऐसे थोड़े थोड़े शेप्स वाले तो वैसा बिल्कुल नजर आ रहा है. बट बहुत भाई दिखने में तो कैसा भी लगे लेकिन ये टेगू टेगू ही है जी जी. किंग कोबरा कभी हो नहीं सकता. वो तो सही है. ब्यूटीफुल. मुझे जैसे कि सभी को अलग अलग हॉबी रहती है वैसी मेरी भी एक हॉबी है कि मैं किंग कोबरा पालूं जी. इंडियन किंग कोबरा नहीं, एक मिलता है थाईलैंड में जो एल्बाइनो में रहता है, रेड आई में रहता है. राइट. तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है मुझे वो. मेरी भी कभी ख्वाहिश है कि मैं किंग कोबरा पालूं जी. बिकॉज ऑफ इंडिया, इंडिया में बहुत सारे चीज पेट्स लेके बैंड है जी. क्योंकि एक्चुअल में वो वेनामस भी है. गवर्नमेंट भी कुछ गलत नहीं कर रही है. वेनामस चीज पालेंगे तो हमारे को भी तकलीफ हो सकती है, इन द सेंस हमारी फैमिली को भी तकलीफ हो सकती है. राइट. वो तो बात अच्छी है लेकिन हॉबी पे डिपेंड करता है भाई. हॉबी के लिए तो कुछ भी हाजिर जी जी. मैं ऐसी दुआ करता हूँ भाई कि आप बहुत जल्द रखे अल्बाइनो किंग कोबरा और हमको भी दिखाए. सो भाई इसके बारे में, बैक टू द टॉपिक, इसके बारे में बताइए. इनक्लोजर में रखा जाता है इसको, केज में रखा जाता है? भाई इसको इनक्लोजर में रखा जाता है, केज में भी बहुत रख सकते हैं जी. लेकिन इसको क्या है, अलग से इसका इनक्लोजर आता है. यूवीबी लाइट दे के इनक्लोजर रखते हैं इसको. तो अगर यूवीबी लाइट दे के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. इसका डाइट जो रहता है वो जितना ये डाइजेशन करेगा, जितना अच्छा फीडिंग लेगा इतना ही जल्दी ये ग्रो करेंगे. हम लोग देखिए भाई एक बात बोलता हूँ, हम लोग का, हमारा लोग का काम ये है कि इनको ब्रीडिंग करें. इन द सेंस इनको बहुत अच्छे से ब्रीड करके पूरे इंडिया में सभी के पास रहना चाहिए. हर एक घर पे कर्नाटक एक्वेरियम का एक पेट रहना चाहिए कुछ ना कुछ. तो मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि हर चीज मैं ब्रीड करूँ और इजीली प्रोवाइड कर सकूँ. okay. तो ट्राई करता हूँ भाई कि बहुत जल्द और सारे पेट्स लेके आऊँ, ब्रीड करूँ. मैं भी बहुत सारे पेट लीगल पेट ढूंढ रहा हूँ जो मेरे को मिल जाए. क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे जी वो बहुत सारे पेट्स पाल के थे जी. जैसे कि पुराने ब्रिटिश हो गए जी, वो सब ये पाले थे जी, जब ये लीगल था इधर इंडिया में. राइट. हाँ
तो वो सब जो पाले थे आज वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो हमारे पास आके आज हमारे पास ब्रीड हो रहे हैं। जी जी हाँ। और मैं देख रहा हूँ भाई बड़ा ही शांत है, तो फर्स्ट टाइम कीपर भी बड़ी आराम से रख सकता है भाई, इजीली रख सकता है। लेकिन ये जो जब रैश हो जाएगा ना जी, तो इसका रैश अगर कोई देखेंगे तो इसको खरीदना नहीं चाहेगा। अच्छा। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल पेट है, जैसा कुत्ता जैसे डॉग ट्रेंड होता है एज इट इज वैसे ही ट्रेंड होता है ये, जैसे कि बुलाने से आ जाएगा। अच्छा। इसको भेजने से चला जाएगा। ओके। बैठने को बोलेंगे तो बैठ जाएगा, उठने को बोलेंगे तो उठेगा, तो एज इट इज लाइक कुत्ते के जैसा ट्रेंड होता है भाई ये। बहुत बढ़िया। और इसका जो डाइट मैंने तो आपको बता दिया, चिकन लिवर और मैं वेट फूड देता हूँ, कैट वेट फूड देता हूँ। तो और ये ग्रो हो जाता है अराउंडली 4 feet 4.5 feet। अच्छा। लेकिन इसका जो साइज रहता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ओ। बहुत मतलब बहुत। और इसका वेट जाता है अराउंडली 15 to 20 kilo। अच्छा। वही 100 pound 15 to 20 kilo तक इसका वेट चला जाता है भाई। एट प्रेजेंट क्या साइज है इसकी भाई? अराउंडली आप देख सकते हैं 1.5 feet 20 inch। ओके। कंप्लीट 20 inch। राइट। और ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ भाई, ये सब पेट आपको कर्नाटका एक्वेरियम के अलावा किधर मिलेंगे भी नहीं। एग्जैक्टली। क्या प्राइस है इसका भाई? भाई इसका 75,000 ईच पीस है। ओके। ऑलराइट। सो दिस वाज द स्टनिंग अमेजिंग टेगू एट द कर्नाटका एक्वेरियम। सो द प्राइस इज 75K। If you are interested, please contact on the numbers provided at the start of the video, as well in the video description. Agla pet kaun sa dikhayenge bhai aap humko? Bhai abhi mere paas bearded dragon hai. Ji. Bearded dragon mein jo chilli red jisko bola jata hai. Ji. Wo chilli red hai mere paas, to main wo batana chahunga. All right. Here are the next exotic animals at the Karnataka Aquarium. So look at their shape. Look at the beard. Look at the way they look. Amazing. तो ये बताइए भाई क्या पेट है आपके पास? ये बीडेड ड्रैगन है भाई, रेड कलर है। ओके। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, कॉमन कलर में भी बताया था आपके जी, चैनल जी, पे जी। तो उसमें ये चिल्ली रेड बीडेड ड्रैगन बोला जाता है इसको। ओ। तो अभी मेरे पास बस 5-6 पीस बचे हुए हैं। ओके। ये पिछले सीजन का ब्रीड है। अच्छा। तो 5-6 पीस ही बचे हुए हैं भाई। ओके। ये मैंने सुना है कि मीलवर्म सुपरवर्म खा लेते हैं। हाँ, मीलवर्म सुपरवर्म ही खाते हैं ये, और बाकी रोचेस मिलते हैं, डुबिया रोच हो गया, रेड रोचेस हो गया जी, ये मिलते हैं हर एक पेट शॉप पे मिल जाएंगे। ओके। तो वो ये खाते हैं। ओके। और इनकी साइज अब और कितनी बढ़ेगी भाई? ये अराउंडली आपको चले जाते हैं 2 feet तक के। अच्छा। लेंथ में 2 feet तक के जाएंगे और ये साइज में और मोटे होंगे जी। ये दिखने में छोटा ही पेट है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल पेट है भाई। बेडेड मतलब यूएस में तो इसको बहुत बहुत पालते हैं इसको। राइट। मतलब यूएस में पॉपुलर है काफी। बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। ओके। और ये भी भाई शांत होता है एकदम? हाँ, ये काटता विटता कुछ नहीं है भाई। अच्छा। क्योंकि ये छोटा ही पेट रहता है तो ये आज तक तो मैं ऐसा रिकॉर्ड देखा नहीं जो ये काटता है। ओके। ऑलराइट। ये छोटे छोटे बच्चे भी पाल सकते हैं ये। अच्छा। इसी वजह से ये यूएस में बहुत पॉपुलर है क्योंकि यूएस में आप देख सकते हैं वीडियोस वगैरह, उधर स्नेक्स और वेनामस स्नेक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ओके। तो जो जिस घर पे छोटे बच्चे रहते हैं जी, उस घर पे आपको ये कम से कम 2 पीस तो मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि ये नॉन वेनामस है, कभी काटता नहीं है और बहुत प्लेफुल है, बच्चों के साथ खेलता है, भागता दौड़ता है, तो ये बहुत शांत स्वभाव का पेट है। सही बात है। और इग्वाना से भाई क्या डिफरेंस है इसका कीपिंग में? भाई इग्वाना देखिए भाजी पत्ता खाता है, ये भी खाता है, ऐसा नहीं है जी। ये येलो फ्लावर जो आता है वो खाता है, जो रेड फ्लावर आता है वो खाता है, और मिलवॉर्म सुपरवॉर्म खा लेता है। धनिया अगर बारीक एकदम छोटे छोटे से काट के डालेंगे, धनिया पालक ये भी खा लेगा। ओके। तो ये सब भी खाता है ये। क्या प्राइस फिर है भाई इसका? भाई इसका एक पीस का 30,000 rupees है। ओके। सिंगल पीस, और इसमें मेल फीमेल कंफर्म मिल जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा जी। इसमें आप देख सकते हैं ये मेल है। अच्छा। ये मेल है और देखिए ये भी मेल ही है। ओके। ये सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं जी, क्योंकि जो इसके बारे में नॉलेजेबल हो, ये फीमेल है, जिसके बारे में जो नॉलेजेबल हो वो तो आराम से इजीली जान सकता है भाई जी। तो इसी वजह से इजीली बता रहा हूँ मैं ऐसे ही। ऑलराइट। तो आप देख, ये भी फीमेल है, ये अभी थोड़ी बड़ी है जी। आप इसका साइज देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है इसका भाई। इसका जो पैटर्न आप देखिए,
इधर से आपको ब्लू दिखाई देगा जी, वाइट है, येलो है और बॉडी पूरी रेड है जी। तो भाई ये एकदम यूनिक में आ जाते हैं, ये इनका कलर बराबर ये सब बहुत यूनिक में आ जाते हैं। राइट, कलर डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्न बहुत ही बढ़िया है इनको। हाँ, हाँ। नेचर ने बेहद अनोखे तरीके से ब्लेस किया है इनके खूबसूरती को। वाह बहुत बढ़िया, इनकी भी डिलीवरी पॉसिबल है राइट भाई, ऑल ओवर इंडिया पॉसिबल है भाई। जो भी मैं पेट बता रहा हूँ, जो भी एनिमल बता रहा हूँ, या फिशेस हो गई या फिर टर्टल हो गया, तो ये सब मैं ऑल ओवर इंडिया डिलीवर देता हूँ जी। सो दीज वर द बियर्डेड ड्रैगन्स अवेलेबल एट द कर्नाटका एक्वेरियम। इफ यू आर इंटरेस्टेड काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स प्रोवाइडेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।